भारत का पहला सौर्य मिशन आदित्य एल वन अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके 6 जनवरी 2024 को सूर्य के लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसे लेकर अहम जानकारी दी है। इसरो प्रमुख सोमनाथ के मुताबिक फिलहाल इस बात की उम्मीद पूरी है कि आदित्य एल वन 6 जनवरी को लैग्रेंजियन पॉइंट में प्रवेश कर जाएगा। उन्होंने कहा कि सटीक समय की जानकारी सही समय आने पर दी जाएगी। इस बात की जानकारी इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भारतीय विज्ञान सम्मेलन के दौरान मीडिया को दी है। इसके साथ ही इसरो चीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत अपना पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा और ये 2035 में पूरी तरह से काम करने लगेगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य एल वन जब एल पॉइंट वन पर पहुंचने तक इंजन को एक बार फिर से फायर करना पड़ेगा, जिससे वह बहुत आगे न निकले और यहां पहुंचने के बाद आदित्य एल वन घूमने लगेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आदित्य एल वन अगले 5 साल तक काम करेगा और इस दौरान वह सूर्य पर होने वाली तमाम गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मुहैया कराएगा। इससे जुटाए गए आंकड़ों से सूरज के डायनेमिक्स और इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी हासिल करेगा। आदित्य एलवन का एलवन पॉइंट इंसर्शन होगा जनवरी 6 में, टाइम तो आप नहीं बता सकता। सो ये इवेंट तो भी हम ट्रांसमिट करेंगे हमारा वेबसाइट पे, यूट्यूब से सभी देखिएगा।